प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। हम सब ने मिलकर विजयदशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने स्मरण किया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए मन की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हुई। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के सुनील जगलान आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से जुड़े। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसारण से जुड़े आकाशवाणियों के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया।